हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। आज हम देखेंगे बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आता है, नो आइस क्रिस्टल्स, और इसमें ना जाएगा कंडेंस मिल्क, ना जाएगी कोई एक्स्ट्रा क्रीम लाइक अमूल क्रीम हो, नॉन डेयरी क्रीम हो, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा जाएगा। सिंपल हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उससे ये आइसक्रीम बनने वाली है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और लुक एट दिस परफेक्शन ऑफ आइसक्रीम। स्कूप में कितना परफेक्ट वो आइसक्रीम आ रहा है इससे ही आपको पता चल गया होगा कि हमारी आइसक्रीम परफेक्ट क्रीमी और परफेक्ट हुई है। हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स पर ध्यान देना है। इस रेसिपी में छोटी छोटी मैं ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, दैट्स इट। अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो इधर मैंने आधा लीटर बफेलो मिल्क लिया था, उसको मैंने उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद ऊपर उसकी क्रीम आई है, उसी को मैंने फिर से रूम टेम्परेचर पर कर लिया। अभी इसी मिल्क को हम वो जो ऊपर की क्रीम है उसके साथ कढ़ाई में डाल देंगे। एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेनी है आपको। उसी दूध में से हम 1 कप एक छोटे बाउल में निकाल कर रख देंगे, क्रीम को साइड में रखकर। और अभी इसमें जाएगी 1/4 कप शक्कर, मतलब 60 ml अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, बट 1/4 कप आपको लेनी है। अभी उसको हम गैस पर रख देंगे लो फ्लेम पर। क्रीम को उसके साथ थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और चम्मच को बाहर निकाल कर लो फ्लेम पर इसको गैस पर रख देंगे। तब तक हम हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो चॉकलेट आइसक्रीम है तो चॉकलेट इज़ मेन इंग्रेडिएंट इन दिस रेसिपी। तो मेरे पास अभी डार्क चॉकलेट है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप मिल्क चॉकलेट ले सकते हो, और कोई भी चॉकलेट लाइक डेरी मिल्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा भी चॉकलेट आप लीजिए, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये छोटे छोटे पीसेस में आपको काट लेना है, वैसे ही बड़े बड़े पीस आप दूध में नहीं डालोगे। और दूसरी बात, आपको ये 40 ग्राम लेना है, उससे कम नहीं लेना है, नहीं तो टेस्ट नहीं आता है। तो अभी हम ये चॉकलेट को सीधा दूध में डालेंगे, तो दूध को उबाल आइए कि नहीं हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, दूध को अच्छे से उबाल आ चुकी है, जो क्रीम है ऊपर आ चुकी है। हम सब मिक्स कर लेंगे दूध में। अभी इसी दूध में हम डालेंगे चॉकलेट। इस रेसिपी में आप एक बात ध्यान रखिए कि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं तो आपको पूरे रेसिपी में गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। अगर आपने हायर कर दिया गैस के फ्लेम को तो क्या होगा कि चॉकलेट जल जाने के चांसेस होते हैं। चॉकलेट इमिजिएटली जल जाती है ज़्यादा हीट की वजह से, और आपका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने जो 1 कप दूध निकाला था ना उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप 1 बड़ा चम्मच बोर्नवीटा डालिए और आप कौन सा भी चॉकलेट पाउडर ऐड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई भी नहीं है तो आप सीधा 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोको पाउडर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि और चॉकलेटी फ्लेवर आए उसमें, क्योंकि हम इस रेसिपी में इसेंस बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास इसेंस है तो इसी मिक्सचर में आप वो इसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, चॉकलेट वाला इसेंस। तो वो मिक्सचर अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया। अभी ये जो चॉकलेट है हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है दूध में, क्योंकि हमारा दूध गर्म था और हमारा चॉकलेट भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में हमने काट लिया था। तो अभी इसमें जाएगा हमारा जो कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वो। तो याद रखिए कि आपको गैस के फ्लेम को लो ही रखना है ये मिक्सचर डालते समय भी। तो एक हाथ से हम चलाते रहेंगे दूध को और ये मिश्रण डालते रहेंगे। ये एक बार मैं मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, तो मैंने ये डाल दिया। अभी हम चला लेंगे कुछ ही सेकेंड्स में, लाइक 30-40 सेकेंड्स में ही ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम ये मिश्रण डालने के बाद आपको मैक्सिमम 2 मिनट के लिए ही गैस को ऑन रखना है। ये देखिए, 2 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और फिर 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाते रहिए थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा वो मिक्स होता रहेगा,
मैक्सिमम मतलब एक दो मिनट के लिए आप चलाते रहिए और इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो मेरा अभी ठंडा हो चुका है ये सारा मिश्रण, ये देखिए। अभी इसमें क्या है ना, हमने घर में जो दूध वाली क्रीम है ऊपर की वो भी यूज़ की है, तो उसके जो छोटे छोटे कण रहते हैं राइट, ये देखिए ये जो बारीक बारीक रहते हैं, इससे हमारा टेक्सचर आइसक्रीम का अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस मिक्सर पूरा ठंडा हो जाने के बाद इसको एक बार हम मिक्सी जार में चला लेंगे ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए। तीन चार बार इसको हम चला लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है आपको ये काम। तो ये देखिए मैंने सिर्फ तीन चार बार इसको मिक्सी में घुमा लिया है अच्छे से, ये देखिए परफेक्ट इसमें एयर बबल से वो आ चुके हैं। तो अभी हम इसमें इसको इस कंटेनर में डाल देंगे। तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले भी मैंने दो टाइप की कुल्फी की रेसिपी अपलोड की है, तो उसमें मैंने भी बताया है, कुछ बेसिक टिप्स बताई है। तो अगर आपने वो रेसिपीज नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो आपको पता चल जाएगी। तो ये जो आप डालोगे इसका जो ढक्कन है अच्छे से पैक करना है आपको, अगर अच्छा बैठता नहीं आपका डिब्बे का ढक्कन तो आप प्लास्टिक रैप से रैप करके ढक्कन लगा दीजिए। अभी इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 4 घंटे के बाद ये देखिए ये अच्छे से जम गया है। तो अभी हम इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे, ईजीली कट हो जाता है, बहुत क्रीमी हमारा और बहुत परफेक्ट आइसक्रीम बनता है। बट अभी इसको खाना नहीं हमको, अभी इसको हम और स्मूथ करेंगे, इसको ये मिक्सी जार में डालेंगे थोड़ा थोड़ा और चला लेंगे। ये देखिए बहुत ही गाढ़ा बन जाता है आप जब मिक्सी में उसको चलाते हो तब। तो सारा जो है हमारा आइसक्रीम उसको मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से स्मूथ कर लिया है पूरा। अभी उसी कंटेनर में मैं ये सारा मिश्रण डाल दूंगी, आप देख सकते हो कितना क्रीमी और परफेक्ट हमारा टेक्सचर दिख रहा है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल दूंगी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कीजिए, कोई बात नहीं। अभी इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फिर से फ्रीजर में रखा, मैक्सिमम आप 5 घंटे के लिए रख ही दीजिए, 5 घंटे तक आपको उसको चेक भी नहीं करना है बिल्कुल भी, 5 घंटे के बाद परफेक्ट ये सेट हो जाता है। तो वो कभी कभी फ्रिज के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो आप 5 घंटे मिनिमम तो रख ही दीजिए, 5 घंटे तक आपको वो फ्रीज़र बिल्कुल नहीं खोलना है, आप ध्यान में रखिए ये बात। अभी हम ये इसको स्कूप आउट करके देखते हैं, इससे ही हमारा आइसक्रीम कैसा बना है ये समझ में आएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, आप देख सकते हो, बहुत क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस होता है ये आइसक्रीम, विदाउट एनी कंडेंस्ड मिल्क, विदाउट एनी क्रीम और नथिंग एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो जाता है। ये देखिए पूरा परफेक्टली स्कूप आउट हो चुका है। तो अभी मैं दोनों भी निकाल लेती हूँ बाउल्स में आइसक्रीम, और ऊपर से मैं थोड़ा से चोको चिप्स से डेकोरेट कर देती हूँ। हमारे परफेक्ट सॉफ्ट और क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, आप पास से भी देख लीजिए कितना परफेक्ट टेक्सचर है। अभी मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, एंजॉय।